तो क्या है ना कि अभी देखिए हाँ, अच्छा, ऐसा है, आपको लगता है बड़े बड़े दिनों बाद हाँ, बड़े दिनों बाद मन होता है ऐसा करने लगता है। गहराई में जाके जो हाँ, बात करने की बड़ा ही बड़ा अच्छा लगता है। हेलो, अच्छा क्या चल रहा है? दिसंबर है ना? दिसंबर चल रहा है। धर्मेश भाई, वो वक्त कौन सा था जिस वक्त आपको एहसास हुआ कि खटिया का ये यूज भी हो सकता है? अरे क्या पूछ रहे हैं? ऐसा नहीं, नहीं एक्चुअली सर, मैंने एक नॉर्मली एक गांव का एक था ना, तो वीडियो देखा था और हम गौर फरमाइएगा। हाँ, इरशाद आसमां की जहाँ फितरत है बिजलियां गिराने की, वहीं हमारी जिद है चटियां सुखाने की। वही क्या बात है, जो नफरत करे उससे भी प्यार दीजिए, कच्चे सूख गए होंगे छत से उतार लीजिए। हम खुद भी गांव का वीडियो देखते साथ साथ गांव बैठा है, उसको कभी नहीं देखते हैं। काहे सोचते हैं ऐसा खटिया का यूज? नॉर्मल इंसान जो खटिया यूज करता है, पैसे काहे नहीं करते? क्या बात है यार, क्या बात है। तो चलिए भाई, आज की महफिल में राघव देहरादूनी और हम सुरसुरी अफलातूनी आपका स्वागत करते हैं। वावा, वावा। ए जी। जेव जी, आप बताइए, आपको तो पता होगा आपने कितना खटिया इस्तेमाल किया है। ए जी, कुछ करिए। क्या करो यार मैं? आउच। हमें अपने दिल का प्राइज दीजिए, कभी तो हमें सर प्राइज दीजिए। हमारे दिल ने तो कब से कह दिया आइच, आप भी कभी आइच कह दीजिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। एक और है। हाँ हाँ हाँ। कहे 13 के लिए। अभी कितनी परेशान है हमारी। क्या चाहिए आपको? लीजिए, पूछिए नंबर वन जी, पूछ रहे हैं कहाँ चाहिए, ये भी हमको ही बताना पड़ेगा। अच्छा एक काम कर लो, आप डिसाइड कर लो हम दोनों में से कौन, जल्दी डिसाइड करो चलो। अरे इतना पाप हम कैसे कर सकते हैं? सही बात है, जो हम कहते हैं हमको दोनों पसंद है तो। गैंग थे ड्रिंक के लिए। आस्की में खरीद लाते हैं चांद और तारे। आए हाए, आए हाए। लड़का कमाल रे, अखियों से गोली मारे। क्या बात है भाभी, क्या बात है, क्या बात है। ओ भाभी, अटक गई है भाभी, आपने इतना कह दिया गैंग। सर क्या सपने लेके आए थे और क्या सपना देख रहे? एक खटिया की बात करे, एक सपने की बात करे, सोता कोई नहीं है। 13 के लिए इतना कह दिया धर्मेश भाई, बुरा माने हुए, अब मेरे को धर्मेश भाई के लिए कुछ कहना ही पड़ेगा। चलिए इरशाद, हाँ, इरशाद, हाँ, इरशाद भी नोदी। पल्लू को ब्लाउज से जोड़े रखता है सेफ्टी पिन। अरे तो बात कर ले। काट का। जल्दी से आ। भाभी बोली नटखट तो कट 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 कर। एक मिनट, आप ही का जवान बन रहे, अचानक से दाढ़ी भी कम करवा दिए है ना? देखिए देखिए, एकदम सुपर जज से कैप्टन रेमो डिसूजा लग रहे हैं। तो गैंग 13। क्या बात है, क्या बात है, गहराई देखो मियां रेमो। हाँ मियां रेमो, आपके चेहरे में ऐसा नूर है, आपको देखे तो कविता याद आ गई। हेलो कविता। राघव आगे बढ़े सर, शो आगे बढ़ाते हैं। हम बढ़ाते हैं, हम तैयार हैं। चलो भाई आ जाओ। तो भाभी जो अगला शेर है, इसाद विनोद कमलेश। अरे यार, जिस शख्स ने तुम्हारे वो हीरे चुराए थे मेरे सामने, अगर आ गया एक बार, अगर आ गया मैं बता रहा हूँ मैं नहीं छोड़ूंगा। कान का बूंदा था ना तुम्हारा, बड़ा सा डायमंड वाला, हाँ ठीक है, वो मेरे साम अगर आ गया, केले के छिलके पे पैर रखोगे तो फिसल जाओगे।
क्या बात है, क्या बात है, आगे आगे। केले के छिलके पे जो है पैर रखोगे तो फिसल जाओगे। आगे, आगे। अरे मत रखना, पैर नहीं फिसलोगे ना, मत रखो, देख के। क्या बात है, लेकिन हमें लगता है रघु भैया जिसने फिसलना हो। ये सब सुनकर रेनो सर की दाढ़ी में हो रही सूजन, तो जल्दी से स्टेज पे आ जाओ आंचल और सुजन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हॉकी की बहुत जरूरत पड़ी। वो पानी पे भी फिसल सकता है, अगला कंटेस्टेंट बुला ले, नहीं तो हॉकी कभी भी निकल सकता है। सैलरी को हिंदी में कहते हैं वेतन। वेतन, जल्दी आ जाओ मेरे भाई चेतन। क्या ये शक्ति, कहाँ खो गई तू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लगता नहीं है कि यू गाइस आर जस्ट फ्रेंड्स। दाल में कुछ काला है। राघव, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? अरे चलिए रघु भैया, शायरी करनी है। रघु भैया, रघु भैया। हाँ भाभी। कहाँ खोए हुए हैं, शायरी नहीं करनी। राघव। हाँ। आज मैं सोच रही थी क्यों ना हम डिनर पे चलें। चैक्स। यस रैग्स। जब भी ये गाना सुनता हूँ मुझे एक ही लड़की की याद आती है। किसकी? तुम्हारी। एक बार अगर तुम यहाँ पर आके मेरे साथ हुस्न है सुहाना। Ooh, yeah. क्या मैंने कभी मना किया है तुम्हें जो मैं आज करूंगा? कम माँ लेडी, कम कम माँ लेडी, यू माँ शुगर पाय बेबी। कर दोगी तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ डांस क्यों करूं जब वहां पर लेजेंडरी गोविंदा जी बैठे हैं? एक्चुअली पॉइंट भी है, मैं वहां होता मैं भी उन्हीं के साथ ही करता। प्रेजेंटिंग माय हीरोइन नंबर वन विद हीरो नंबर वन।